भारत माता की जय हो। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। विश्व हिंदू परिषद आज अजमेर शहर में पांचवी जगह काड़े का वितरण कर रहा है। आज प्रखंड एक के वार्ड नंबर चार में, वार्ड नंबर चार में आदरणीय पार्षद राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम यहाँ विश्व हिंदू परिषद महानगर अजमेर और धर्म प्रसारा की तरफ से काड़े का वितरण करने जा रहे हैं। हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन 1000 आदमियों का काड़ा अलग अलग जगह शहर में वितरित करते हैं, जिससे हम ये हमारा अनुमान है कि काड़ा पीने से आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उससे कोरोना से उसका बचाव होगा। ये आयुर्वेदिक काढ़ा विश्व हिंदू परिषद को लगातार आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक महोदय द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है, जो हम शहर में अलग अलग स्थानों पर इस काढ़े का वितरण कर रहे हैं। साथ ही आज हम यहाँ कोरोना योद्धाओं का सम्मान का भी हम विश्व हिंदू परिषद के दुपट्टे से उनका स्वागत करने का कार्यक्रम है, वो भी आज यहाँ होगा। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी पवार का बहुत बहुत आभार है कि आज उन्होंने हमको सहयोग दिया और यहाँ काढ़ा वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्यनारायण बंसाली, विश्व हिंदू परिषद महानगर अजमेर। कोरोना संकट जो वैश्विक महामारी बन चुका है, विगत 65 दिनों से पूरे देश में, विश्व में जो महामारी चल रही है, इसके निवारण हेतु विभिन्न तरह के प्रयास पूरे देश भर में चल रहे हैं। उसी क्रम में अजमेर नगर निगम के वार्ड चार में भी विगत 64 दिनों से विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से जनता को राहत पहुँचाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। चाहे वो भोजन पैकेट का कार्यक्रम हो, चाहे सूखी सामग्री वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे हरी सब्जियों का वितरण हो, चाहे स्वच्छता सैनिकों का सम्मान हो, इस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस वार्ड में किए जा रहे हैं मेरे कार्यकर्ता के माध्यम से। इसी क्रम में आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बंधुओं आदरणीय भंसाली जी, लेखराज सिंह जी, कैलाश सिंह जी के सहयोग से आज लगभग 1000 लोगों को आयुर्वेदिक औषधि काढ़े का वितरण यहाँ किया जा रहा है। इस काढ़े में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मिली हुई है। यह मिक्सर हमें आयुर्वेदिक विभाग से निःशुल्क प्राप्त हुआ है। मैं हृदय के अंतरिम तल से आदरणीय लेखराज सिंह जी का, आदरणीय भंसाली जी का, कैलाश सिंह जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन का स्थान निर्धारण हमारे वार्ड में किया, मैं हृदय के अंतरिम तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे आभारी। और आज इस पुनीत अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से हमारे जो स्वच्छता सैनिक हैं उनका सम्मान भी किया जाएगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, पधारे हुए अतिथियों का और मेरी वार्ड की जनता, जो इस कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो लॉकडाउन का आदेश दिया था उसका पूरे नियमों के अनुसार पालन किया है। मेरे आदरणीय रमेश जी भंडारी रोजाना मशीन लेकर सबका टेम्परेचर नापते हैं। मैं इस सेवा भावना को देखकर अभिभूत हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे सेवाभावी लोग मेरे वार्ड में हैं। यह सेवा भाव जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक मेरे वार्ड में बना रहेगा। उन्हें आभार, मीडिया का आभार। समय समय पर मेरे वार्ड के जो भी कार्यक्रम हुए इनकी कवरेज MTTV ने, सभी चैनल ने समय समय पर दिखाया है। उन्हें हृदय के अंतरिम तल से आभार। पधारे सभी अतिथियों का आभार, धन्यवाद। द्वारा और विश्व हिंदू परिषद द्वारा हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया, काढ़ा पिलाया गया। हमें इतनी अच्छी खुशी हुई, किसी से सराहना नहीं कर सकते कि हमारे काम की कदर करी लोग। हमारा काढ़ा पिलाकर और दुपट्टा उड़ाकर हमारे सभी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। नगर निगम से विनोद कुमार रील। आपका नाम? विनोद कुमार रील।